देखिए, फोकस ये नहीं है कि क्वेश्चन कराना है, फोकस ये है कि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी देनी है। देयर इज नो पॉइंट कि मैं आपको 10 क्वेश्चन कराऊं उसके आंसर्स बता दूं विच यू हैव ऑलरेडी सॉल्व इन द पास्ट ईयर बुक या फिर कहीं से भी आपने जहां से सॉल्यूशन दिया है। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए, बिकॉज एग्जाम में तो आपको कंसेप्ट सेम ही मिलेंगे, बट अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे यू वोंट बी एबल टू सॉल्व दोस क्वेश्चन। थैंक यू सो मच वर्निंगा, दैट्स अ ब्यूटिफुल कॉम्प्लीमेंट फॉर मी इफ यू थिंक दैट आई एम अ करिज्मेटिक लीडर। थैंक यू सो